राजस्थान में मानसून की टर्फ लाइन आज दक्षिण राजस्थान से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर तथा 18 जुलाई को शेखावाटी संभाग में भारी बारिश हो सकती है। आज यानी बुधवार को राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बाड़मेर, जालौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिनों तक राजस्थान के कोटा व उदयपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। कृषि विभाग ने 21 जुलाई तक खरीफ की फसलों में मूंग, तिलमोट, ग्वार और बाजरे की बुआई के लिए उपयुक्त समय बताया है। प्रदेश के बांधों में बीते 24 घंटे में 13 MQM से ज्यादा पानी की आवक हुई है। प्रदेश के 691 बांधों में 17 पूर्ण व 279 आंशिक रूप से भरे हैं, लेकिन 345 बांध अब भी खाली हैं। राजधानी जयपुर को पानी सप्लाई करने वाले बीसलपुर बांध में पानी अभी शुरू नहीं हुआ है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में आज बुधवार को भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ ही घना कोहरा छाया रहा। तेज बारिश होने से माल रोड सहित पर्यटक स्थलों में घूम रहे सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग ने पंजाब के 17 जिलों में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके दौरान 6 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर व SSS नगर में तेज व धूल भरी हवाएं चलेंगी और आकाश में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।